मौका दिया जाए, चांस मिले, तो क्या इंडियन लड़के से शादी करो? हाँ क्यों नहीं यार, ऑब्वियसली नहीं, इंडियन खुद वहाँ चली जाऊंगी, क्यों एक्साइटेड हूँ, उसकी शादी होने वाली है और हम इंडिया में करेंगे अपनी बच्ची की शादी। Will you marry an Indian guy? Yes, of course. वो मतलब इंडियंस में क्या क्यूट लगता है यार, वो हैंडसम क्यूट, उनकी जो स्किन होती है वो हमारी तरह ग्लोइंग। डन डन है, इंडिया में डन करो फिर, डेफिनेटली करेंगे। इंडिया से रिश्ता आए तो, अगर अच्छा रिश्ता आए तो मैं कर लूंगी, अगर कर लेंगे। प्यारे मंदिर हैं जिनको देखने का मुझे बहुत शौक है, इंडिया इंसान है, लड़का है, अगर मेरी रिक्वायरमेंट्स के में मसला नहीं है कि वो चाहे इंडिया, कर लूंगी, नो प्रॉब्लम। आप कर लेंगे शादी, ठीक है, एक्सेप्ट भी कर लेगी। हे हाय हेलो नमस्कार, राम राम सभी को, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। गाइस, तो एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम मतलब कि वीडियो क्या है कि जो पाकिस्तान की लड़कियां हैं वो हमारे इंडियन लड़कों पर इतनी ज्यादा फिदा हो गई हैं, कि वो बस इंडियन लड़के से शादी करने के लिए मरे जा रही है। उन लोग को बस ये है कि मेरे को कोई इंडियन लड़का प्रपोज कर दे, मेरे को कोई इंडियन लड़का शादी के लिए ऑफर कर दे तो मैं जब ही हाँ कर दूंगी और जब ही शादी कर दूंगी। मतलब वहाँ ये वाला हाल हो चुका है। अब पाकिस्तान के लड़के तो उन लोग को पसंद नहीं आ रहे हैं और हमारे इंडिया के लड़कों में इतना ज्यादा चाम है कि वहां तक डिमांड हो गई है। भाई आप लोगों की क्या बात है, मतलब करना क्या चाहते हो आप लोग? तो बस पाकिस्तान की लड़कियां शादी करना चाहती है इंडियन लड़कों से, और यही वीडियो में दिखाया गया है कि लड़कियों से पूछा गया है कि वो इंडियन लड़कों में क्या पसंद करती है और इंडियन लड़के अगर उनको अप्रोच करें या वो इंडियन लड़के से शादी करना चाहेंगी या नहीं चाहेंगी। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग कि क्या बोलते हैं वो लोग, उन लोग का कितना इंटरेस्ट शो करते हैं वो लोग इस चीज के लिए, उसके बाद हम बात करते हैं। को मौका दिया जाए, चांस मिले, तो क्या इंडियन लड़के से शादी करो? हाँ क्यों नहीं यार, इंडियन लड़के से शादी के लिए हाँ कर दोगी, सोच समझ के या वैसे ही अंदाज़ इंडिया से? यस नहीं यार, अगर अच्छा बंदा होगा तो हाँ करेंगे। शादी का शौक है ऑब्वियसली। कब करनी है शादी? डिग्री के बाद इंशाल्लाह। डिग्री के बाद मत, वहाँ भी बहुत खास लोग होते हैं। बहुत खास? किस तरह के खास चाहिए आपको? कोई भी अच्छा हो। अच्छा चलो, इंडियन लड़के से शादी करने का मौका मिल रहा है, चांस दिया जा रहा है आपको, कौन से इंडियन लड़के से शादी करोगे और किस टाइप का होना चाहिए? दूसरे मुल्क में जाके बॉर्डर पार ससुराल, ठीक है, यू आर ओके विद दैट? या कि ये चिकनी चिकनी साड़ियां पहना करोगी जाके ससुराल? या हाँ, पसंद है साड़ियों? हाँ बहुत। और इंडियन फूड, उनका स्ट्रीट फूड मैंने सुना बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। की ज्वेलरी? ज्वेलरी अच्छी है। ससुराल वाले अगर वहाँ से होंगे तो झुमके शुमके साड़ियाँ वाड़ियाँ भी बड़ी मिलेंगी। हाँ मैं एक्साइटेड हूँ, इसकी शादी होने वाली है और हम इंडिया में करेंगे अपनी बच्ची की शादी। तो ज्यादा एक्साइटमेंट हो सकती है क्योंकि वहाँ की चीजें, वहाँ की ज्वेलरी, हर चीज। दूसरी बीवी बनना भी कबूल है, इतना पसंद है क्या? बहुत पसंद है। Will you marry an Indian guy? Yes, of course. है नजर में कोई? नजर में तो कोई नहीं है। तो फिर किस तरह करेंगे? अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो अवेल कर लूंगी। पाकिस्तान छोड़ जाएंगी? शौक है कि मैं यूरोप सेटल हो जाऊँ, मैं यूरोप सेटल हो जाऊंगी, इंडिया चली जाऊंगी। वैसे भी मैं ट्रैवल व्लॉगर बनना चाहती हूँ, पाकिस्तान को एक्सप्लोर करूंगी, इंडिया को एक्सप्लोर करूंगी, यूरोप को एक्सप्लोर करूंगी, तो फिर मतलब इंडियन से शादी कर लेंगे। वैसे इंडिया में क्रश है आपका? अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो अवेल कौन नहीं करेगा। इंडियन? इंडियन क्यों? क्योंकि इंडियंस जो है ना, वो मतलब इंडियंस में क्या क्यूट लगता है यार, वो हैंडसम क्यूट, उनकी जो स्किन होती है वो हमारी तरह ग्लोइंग होती है, तो वो और उनकी पर्सनालिटी होती है हमारी तरह लंबे चौड़े होते हैं। मुझे तो सेक्सी लगते हैं लड़के जिनके बीयर्ड वाले पसंद है। हाँ यार, इसलिए इंडियंस। होना चाहोगी इंडिया में? उनके बीयर्ड इतने खूबसूरती की वजह से परमानेंट होना चाहोगी? अब तुम जानती हो कि परमानेंट का मीनिंग क्या है। परमानेंट हो जाऊंगी यार। देखो एक चीज़ होती है कि आपको शादी का और मरने का, पैदा होने का कोई खास पता नहीं होता आपने किधर पैदा। ख्वाहिश अगर पाकिस्तान में ना की तो फिर इंडिया में डन। डन है, इंडिया में डन करो फिर। बीएड की वजह से? वो भी लड़की ने पसंद किया? नहीं नहीं, बीएड की वजह से, डस्की होने की वजह से, और यार मैं हैंडसम होते हैं, मुझे लगता है बहुत हैंडसम होते हैं, तो इसलिए। ऐसे कोई प्रपोजल आए आपके लिए और आपकी सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स पे कम्प्लीटली पूरा उतरता हो तो आप क्या उसको कंसिडर करेंगे? डेफिनेटली करेंगे। इंडिया से रिश्ता आए तो, अगर अच्छा रिश्ता आए तो मैं कर लूँगी, अगर कर लेंगे। हमें बहुत प्यारे प्यारे मंदिर हैं जिनको देखने का मुझे बहुत शौक है और इंडिया के लोग बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल, इंडिया बहुत अच्छी जगह है। इंडिया से एक प्रपोजल आए, मैरिज प्रपोजल, ये आप कंसीडर करेंगी?
यार बिल्कुल, इंसान है, लड़का है, अगर मेरी रिक्वायरमेंट्स के बिल्कुल एन मुताबिक है तो डेफिनेटली आई वुड गो फॉर दैट. मैं पहले चीज़ें देखूंगी, अगर मुझे लगेगा कि उसको मेरी समझ आ रही है, मुझे उसकी समझ आ रही है, तो मुझे कोई इसमें मसला नहीं है कि वो चाहे इंडिया. तो आप वहाँ जाएंगी या फिर उस इंसान को यहाँ लेकर आएंगी घर जमाई? मैं उनको कहूँगी कि 6 महीने हम उधर रह लेंगे, 6 महीने हम इधर रह लेंगे, तो थोड़ा अर्सा वहाँ गुजर जाएगा, थोड़ा अर्सा यहाँ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजरेगी, कोई लड़ाई भी नहीं होगी. हाँ। इसलिए आपको प्रपोज़ कर दिया, प्यारा भी हो, अच्छा भी हो और आपकी सारी डिमांड्स में पूरा भी उतर रहा हो, तो आप उसके प्रपोज़ल को जो है एक्सेप्ट करेंगी या फिर कंसीडर करेंगी? कर लूँगी, नो प्रॉब्लम. नो प्रॉब्लम आप कर लेंगी शादी? ठीक है, एक्सेप्ट भी कर लेंगी? ठीक. इंडिया पंजाब के लोग अच्छे हैं, तो अगर वहाँ से कोई अच्छा बंदा मिला तो, वैसे किस्मत का पता नहीं, ऐसा कभी सोचा नहीं, आपने सवाल पूछा तो मैंने इसलिए बोल दिया, सोचा जा सकता है वो का शहजादा हो, लेकिन हो इंडिया का, तो आप उसको कंसीडर करेंगी? पहली बात तो ये है कि जो इंडिया के लड़के हैं वो पाकिस्तानी लड़कियों को बहुत पसंद करते हैं, पाकिस्तानी लड़कियां होती प्यारी हैं माशाल्लाह से, और जहां तक रिश्ते की बात है, अगर आएगा तो मैं भाग के चली जाऊंगी. भाग के चली जाएंगी. अच्छा, फॉर एग्जांपल आपको किसी ऐसे ही लड़के का जैसा आप डिमांड करिए, तो क्या आप खुद वहाँ जाना पसंद करेंगी या फिर घर जमाई बुला लेंगी? मैं खुद वहाँ चली जाऊंगी, क्योंकि घर जमाई बनाना अच्छी बात नहीं है, उसके साथ रहना ज़्यादा अच्छी बात है हस्बैंड के साथ. हाँ, वहाँ चली जाएगी? मैं चली जाऊंगी. सो गाइज, ये थी हमारी वीडियो, मतलब कि गाइज आप लोग डिमांड देख रहे हो, आप लोगों की कहाँ तक पहुँच गई है, पाकिस्तान की लड़कियाँ भी आप लोगों पे फ्लैट होने लग गई हैं. अब क्या ही करके मानोगे, मतलब ठीक है तुम लोग चार्मिंग हो, हैंडसम हो, स्मार्ट हो, इतना भी मत बनो कि पाकिस्तान की लड़कियां तुम्हारे पीछे ही लग जाएं. मतलब ठीक है, इंडिया में भी बहुत सारी लड़कियां हैं, इंडिया के लड़कियों को पीछे लगाओ, इंडिया के लड़कियों के साथ रहो, पाकिस्तान की लड़कियों पे क्यों जलवा दिखा रहे हो भाई, पाकिस्तान की लड़कियां. बाकी आप लोगों को कैसा लगता है, आप लोगों को पाकिस्तान की लड़कियां पसंद है या नहीं है, और अगर आप लोग को मौका मिलेगा, किसी को, मतलब आप में से किसी को मौका मिलेगा पाकिस्तानी लड़की से शादी करने का, तो क्या आप करना चाहोगे? मुझे तो नहीं लगता कि आप लोग करना चाहोगे, क्योंकि मैं क्वेश्चन ऐसा पूछ रही हूँ, शायद मेरे को गालियां ना देने लग जाओ आपकी, भाई क्या पूछ रही है. बट स्टिल, हर किसी की पसंद, हर किसी की चॉइस, हर किसी का माइंडसेट, सब कुछ अलग अलग होता है. तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि अगर आप लोगों को ऐसा कोई मौका मिलता है कि आपको पाकिस्तानी लड़की से प्यार हो गया और आपको पाकिस्तानी लड़की को शादी करके यहाँ लेकर आना है, इंडिया की मुस्लिम लड़की नहीं, मतलब पाकिस्तान की ही होनी चाहिए वो लड़की, उस लड़की की बात कर रही हूँ मैं, कि पाकिस्तान आप लोग सोशल मीडिया पे मिले, आप लोगों की बातचीत हुई, आप लोगों की कनेक्शंस बने, आप लोगों की दोस्ती गहरी हुई, फिर आप लोगों को प्यार हो गया, तो क्या आप पाकिस्तान की लड़की को यहाँ पर लेकर आना चाहोगे, मैं ये पूछ रही हूँ. तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना. और बाकी ठीक है यार, इतना ज्यादा चाम मत फैलाओ कि वहाँ की लड़कियां यहाँ आने पिक को रेडी हो जाए, और यहाँ वाले लड़कियों का क्या होगा फिर, अगर वहाँ की लड़कियां यहाँ आने लग गई तो कंट्रोल, अपने अपने ऊपर थोड़ा सेल्फ कंट्रोल करो, ज्यादा चाम मत फैलाओ अपना. सो आई होप आप सबको ये वीडियो तो बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा, क्योंकि आप लोगों की डिमांड जो हो रही है, एंड जो लड़कियां मेरी वीडियोज देखती हैं, गर्ल्स तुम भी कहीं से कम नहीं हो, हम लोग भी, तुम लोग भी बहुत बहुत ब्यूटीफुल हो और बहुत चार्मिंग हो तुम सबके सब, तो जो भी देख रहे हैं मेरी इस वीडियो को. सो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट आपको ऑलरेडी करना ही है, बताना है मुझे कि आप लोगों को ऐसी अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं या नहीं, आई डोंट नो, बट आप लोगों को ऐसा मौका मिलेगा तो क्या आप करना चाहोगे, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, ताकि और भी तुम्हारे जो यार दोस्त हैं उन लोग को पता लगे कि भाई पाकिस्तान की लड़कियां इंडियन लड़के को पसंद करती हैं, तो उन लोगों का क्या रिएक्शन आता है वो भी पता लगेगा. सो शेयर कर देना, और जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हो, अगर आपको ऐसी ऐसी और भी मजेदार वीडियोस देखनी है, अपनी तारीफें सुननी है, तो चैनल को सब्सक्राइब दे दो एक, और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो देख लो आके. सो गाइज, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, ऐसे ही प्यार देते रहो, हम लोग ऐसे ही वीडियोस लेकर आते रहेंगे मजेदार वाली. थैंक यू.